वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो गया है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ का फैंस बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। इस बार भारत के कुल 10 शहरों में वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। ये पहला मौका है जब भारत अकेले वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। इसे लेकर बीसीसीआई ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। दरअसल बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बताया कि पूरे वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम में मैच देखने आए दर्शकों के लिए पीने का पानी पूरी तरीके से फ्री रहेगा। जय शाह ने एक ट्वीट में लिखा, मैं यह घोषणा करने में बड़ा ही गर्व महसूस कर रहा हूं कि हम पूरे भारत में स्टेडियम में मैच देखने आए दर्शकों के लिए मुफ्त में मिनरल वाटर उपलब्ध कराएंगे। पानी पीते रहें और गेम को एंजॉय करें। आइए वर्ल्ड कप के दौरान कभी ना भूल पाने वाली यादें बनाएं। इस बार वनडे वर्ल्ड कप की सभी टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। यहाँ रॉबिन राउंड के मुकाबलों के तहत हर टीम बाकी टीम से एक एक मुकाबला खेलेगी, यानी कि लीग स्टेज में सभी टीमें 9 मैच खेलती हुई नजर आएंगी। वहीं टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। 2 सेमीफाइनल मुकाबले होंगे, जिसके बाद 19 नवंबर को अहमदाबाद के ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें कि इस बार वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले काफी कम है। वहीं खास बात यह है कि वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब शुरुआत के 2 ओवर की चैंपियन वेस्टइंडीज के बिना यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है। विंडीज टीम इस बार वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही थी। भारत में वर्ल्ड कप 2023 के मैचों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर किया जाएगा। वहीं फ्री में टूर्नामेंट के मुकाबले डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं। न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर भी वर्ल्ड कप से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी।